मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर 2023 में कौन कौन से वह त्यौहार पड़ने वाले हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस एक ही वीडियो में देने वाला हूं। यहां पर मैंने यही चीज़ें बताने के लिए सहायता लिया है रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग का। रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग जो है वो उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध कैलेंडर है, जिसमें आपको विभिन्न जो भी वह त्यौहार होते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो एक बहुत अच्छा कैलेंडर माना जाता है, खास करके व्रत त्यौहार को देखने के लिए। तो इसी की सहायता मैंने ली है यहाँ पे आपको बताने के लिए। ये देखिए सितंबर माह का मैंने पेज इसमें खोला हुआ है। अब सबसे पहले देख लेते हैं सितंबर 2023 कब से कब तक रहने वाला है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे भाद्रपद लिखा हुआ कृष्ण दो से, अर्थात भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि तक, एक अर्थात प्रतिपदा तक है। नीचे लिखा हुआ तारीख 30 से आश्विन मास प्रारंभ। तो ये तो जानकारी हो गई कब से कब तक क्या क्या रहने वाला है इसमें। आइए अब इनके व्रत त्यौहार की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर 1 सितंबर की, तो शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन रथ जगह रहने वाला है, विंध्याचल भीमचंडी देवी प्रकट उत्सव रहने वाला है। 2 सितंबर शनिवार कजली तीज का व्रत रहेगा इस दिन। 3 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा, बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है इस दिन। 5 सितंबर को मंगलवार रहेगा, ललही छठ व्रत रहने वाला है इस दिन। अगर बात करें 6 सितंबर की तो बुधवार का दिन रहेगा इस दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सबके लिए रहने वाला है। 7 सितंबर को गुरुवार का दिन रहेगा, गोकुल अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उदिया व्रत जो लोग मनाते हैं जन्म उत्सव खास करके उनके लिए वो रहने वाला है। 10 सितंबर को जया एकादशी का व्रत सबके लिए रहने वाला है। 12 सितंबर की बात करें तो मंगलवार का दिन रहेगा, इस दिन भौम प्रदोष व्रत रहने वाला है। 13 सितंबर को बुधवार का दिन रहेगा, मास शिवरात्रि का व्रत रहने वाला है। 14 सितंबर को गुरुवार का दिन रहेगा, इस दिन स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या रहने वाला है। आप देखेंगे उत्तरा फाल्गुनी के रवि अर्थात रवि का यानी कि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी जानकारी आपको दी हुई है। साथ ही हिंदी दिवस भी 14 सितंबर गुरुवार को रहने वाला है। 15 सितंबर शुक्रवार को स्नान दान की अमावस्या रहने वाली है। 16 सितंबर को चंद्र दर्शन रहने वाला है। 17 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा, कन्या संक्रांति रहने वाली है। इस दिन कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, साथ ही विश्वकर्मा पूजा भी इस दिन मनाया जाएगा। 18 सितंबर की बात करें तो सोमवार का दिन रहेगा, इस दिन देखेंगे आप हरतालिका तीज का व्रत रहने वाला है। साथ ही ढेला चौथ यानी कि जिसे चौठ चंद्र भी कहते हैं वो रहने वाला है। विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है और गणेश उत्सव इस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। 19 सितंबर की बात करें तो मंगलवार का दिन रहेगा, ऋषि पंचमी रहने वाला है इस दिन। 21 सितंबर को गुरुवार का दिन रहेगा, सूर्य षष्ठी का व्रत रहने वाला है, लोकार्क कुंड स्नान पर्व रहने वाला है। 22 सितंबर को शुक्रवार का दिन रहने वाला है, संतान सप्तमी साथ ही महालक्ष्मी व्रत इस दिन से आरंभ होगा। 24 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा, इस दिन से दशावतार व्रत रहने वाला है। 25 सितंबर को सोमवार का दिन रहेगा, इस दिन पद्माकर्मा एकादशी का व्रत रहने वाला है। 26 सितंबर को मंगलवार का दिन रहेगा, इस दिन वामन द्वादशी का व्रत रहने वाला है। साथ ही श्री वामन प्रकट उत्सव भी इसी दिन है, भगवान विष्णु वामन का रूप इसी दिन लिए थे। 27 सितंबर को बुधवार का दिन रहेगा, इस दिन प्रदोष व्रत रहने वाला है। 28 सितंबर को गुरुवार का दिन रहेगा, इस दिन अनंत पूजा है, अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत की पूर्णिमा भी है, गणपति का विसर्जन भी है और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, हस्त नक्षत्र में सूर्य चले जाएंगे। उसके बाद 29 सितंबर को शुक्रवार का दिन रहेगा, स्नान दान की पूर्णिमा रहने वाली है। 30 सितंबर को शनिवार का दिन रहेगा, इस दिन से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा। तो ये जानकारी थी सितंबर 2023 के बारे में। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।